किसान भाइयों नमस्कार। तो आज किसान भाइयों हम ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे हमें सिर्फ चक्की ही चक्की नज़र आ रही हैं और भैया जी हैं हमारे पास। तो आज हमने सोचा कि भैया जी के पास चलें। भैया जी कई दिन से फ़ोन आ रहा था कि जी एक बार हमारे पास भी आओ, हमारी भी चक्की चुक्की देखो कैसी हैं। तो भैया जी के पास आए हम और बहुत सारी चक्की यहाँ पर रखी हुई हैं, तो इनसे भैया से जानकारी लेते हैं क्योंकि हम तो किसान आदमी जी, तो किसान को जरूरत पड़ती है चक्की की। तो एक बार माँ किसान भाइयों की तो आज यूर तोहफा पहुँचा दिया जाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार जी। हम आज यहाँ पे आपको मैं चक्की के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास बहुत सारे मॉडल हैं चक्कियों के। ठीक है जी। इसमें तीन चार मॉडल आते हैं चक्कियों में। रेगुलर आता है, टॉकी मॉडल आता है, उसमें जिसके यहाँ पशु भी रहते हैं, थोड़ा ज़्यादा दलिया वलिया पीसना है उसके, थोड़ा बढ़िया बड़ा मॉडल आता है, 1.5 HP का मॉडल आता है, 2 HP का मॉडल आता है। ठीक है। तो आपको मैं ये 1.5 HP का अपना मॉडल दिखाते हैं आपको। एक अच्छा जी, ये 1.5 HP का मॉडल है हमारा पूरा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, तो देख लेंगे हम खोल के। जब किसान भाइयों को ये और बता दिए कैसे कैसे है इसमें, ये क्या है जी इसका? इसके अंदर यहाँ से अनाज जाता है, ये अनाज जाने का रास्ता है इसका। हाँ, ये पूरी मशीन ऑटोमेटिक है। इसके अंदर जैसे ही गेहूँ डालोगे मशीन चालू हो जाएगी, और जैसे ही गेहूँ ख़त्म हो जाएगा मशीन बंद हो जाएगी। मशीन के साथ आपको अलग अलग सुराख की जालियाँ मिली जाती हैं। ठीक है। इस पे हर जाली पे नंबर लिखा रहता है। आपको बारीक आटा पीसना है तो बारीक सुराख की जाली लगाइए, दलिया पीसना है दलिया की जाली लगाइए। अच्छा, तो मतलब कि ऐसा तो नहीं है कभी मोटा बारीक लिखा डर बारीक मोटा लिखा डर? ना, हर जाली पे नंबर लिखा हुआ है। 0 नंबर से लेके 8 नंबर तक जालियाँ आती हैं। ठीक है, जितना बारीक करना चाहोगे। अच्छा, तो जी ये कुछ बड़ी भी है, ये 4 HP की मोटर, ये तो बड़ा ही सामान लग रहा है ये तो हमें। तो बिल्कुल, इसमें लोग अपने जिसकी छोटी किराने की दुकान है वो भी अपना आटा वाटा बाजार में पीसना चाहता है। बिना पत्थर वाली चक्कियाँ रहती है, इनमें कोई पत्थर नहीं होता है। अच्छा, ये छोटी जाली वाला सिस्टम होता है। कैसी जाली लगानी है वैसे आप? अच्छा, ये तो ये क्या है इसमें ये रखा? ये मसाले पीसने के लिए रहता है। इसके अंदर जो कमर्शियल में आ जाती है थोड़ी, जिसकी किराने की दुकान है वो अपने बाजार में अगर उसे मसाले भी पीसने हैं तो वो हल्दी मिर्च मसाले भी ऐसे। तो किसान भैया देख लीजिए कैसे भैया सेट कर रहे हैं, ऐसा सेट हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ से साबुत हल्दी साबुत मिर्च भी पिसाई कर सकते हैं। इसके अंदर अनाज पीसना रहता है, अनाज ऊपर से जाता है हमारा, गेहूं मक्का बाजरा ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, कमर्शियल में आ जाती है। ऐसी हमारी घरेलू में जिसको अपने घर का केवल अपने शुद्ध अपने घर का। ये 3.5 HP की हो गई। ये कौन सी है? ये 4.5 की है। ये 4 HP की है, ये 3 HP की है। ये भी अपने जिसके यहाँ पशु ज्यादा है, दलिया ज्यादा बनाना है अपने घर के लिए, वो भी 3 HP का मॉडल देख सकता है। ठीक है जी। और जी ये थोड़ी ये बताइए ये क्या धरा जी? ये हमारा नया मॉडल आया है, गन्ने की मशीन आई है। इसमें एक बारी में पूरी मशीन SS 304 में बनी हुई है। ठीक है। इसमें जैसे ही गन्ना डालोगे एक ही बारी में गन्ने का रस बाहर आ जाएगा और उसका जो छिलका होगा एकदम सूखा होगा, कुछ नहीं होगा। 70% तो नहीं जैसा कई जो खड़े रहते हैं कई कई बार देते हैं उसमें खड़े रहते हैं इंजन पे खड़खड़ करना है। इसमें कोई सिस्टम नहीं है, बिजली और इन्वर्टर से भी मशीन चलेगी। अच्छा, तो यहाँ को गन्ना लगाओ सीधा, गन्ना डालो और एक ही बारी में ये खत्म कर देगा। पूरी मशीन 304 में है। ये छोटे एक्सपेलर आजकल आ रहे हैं हमारे यहाँ पे। इसमें अपने घर में सरसों का, बादाम का, नारियल का, अखरोट का, सोयाबीन तिल, किसी का भी तेल निकालना है निकलेगा एक ही बारी में। बड़े एक्सपेलर में जैसे 2 से 3 बारी में निकालते हो, इसमें एक बारी एक में, में। एक बारी जैसे में। हमारे यहाँ सरसों होती है। हाँ जी, सरसों भी निकाल देगी वो? हाँ जी, सरसों एक बारी में ये आपका खत्म कर दिया। सरसों तो हमें तो 3-3 बारी निकलवानी पड़ा है ना, इसमें एक बारी में आपको काम हो जाएगा। तो देखिए किसान भाइयों कितना आसान काम हो गया, अब 3 बारी का काम एक बार में होगा। और ये क्या है जी? ये छोटा एक्सपेंडर है, ये थोड़ा कमर्शियल में आ जाता है, एक छोटा घरेलू में आता है अपना। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो मूंगफली तेल सूरजमुखी सरसों बादाम नारियल अखरोट सोयाबीन, 1 साल की वारंटी रहती है मशीन की। ठीक है, बेहतरीन, केवल 400 वाट एक बल्ब जितनी मोटर है। अच्छा, ये अरे दोनों एक ही है? हाँ जी, ये अलग अलग ये रहेगा। अच्छा, तो ये सारी चक्की वही रखी है यहाँ पे भी? 2 HP की आ जाती है, ये छोटी पत्थर वाली है। हाँ, ये मैंने बहुत जगह देखी है। ये क्या है इसका, ये बताओ? पार्ट वाली चक्कियाँ, इसके अंदर पार्ट होता है, जैसे ये आज के लिए ग्राइंडर वाली है, ये पत्थर वाली है। अच्छा, वो तो पत्थर तो घिस तो जाते हैं इसमें, क्या पत्थर घिस के पेट में जाता है, पतरी वतरी का शिकायत आती है। इन चक्कियों में कोई पतरी का शिकायत नहीं है, बिना पत्थर के है, चोकर सहित आटा आता है इसके अंदर। तो किसान भाइयों देखिए भैया बिल्कुल बेच रहे हैं इन्हें भी, लेकिन स्पष्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि यो वाली चक्की हमारे हिसाब से ले कोई सी भी लो, लेकिन ये बढ़िया नहीं है, आप ये वाली चक्की लो, यही कहना चाह रहे हो जी? तो देख लो किसान भाइयों ऐसे कोई नहीं कहता, अपने माल को सब बढ़िया बताते हैं। तो ये चक्की भैया ने यहाँ रखी हुई है। और ये क्या है जी? ये थोड़े होटल संबंधित मशीनें हैं हमारी। अच्छा अच्छा, पीलने की मशीन है जो लंगर मंगर में। अच्छा अच्छा, आटा गूंदने की मशीन है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो किसान भाइयों देख लिया, अरे ये जुगाड़ जी ये जो रखा तुम्हारा ये पिट्ठी मशीन है, चटनी वटनी पे जैसे शादी ब्याह में चटनी वटनी पीसने के लिए रहती है, ये उसके काम आती है।
अच्छा अच्छा, तो इनके पास भैया यहाँ पे चक्की रखी है और सारा ही चक्कियों का बहुत सारा स्पेयर पार्ट है भैया के पास। तो भैया का जरा एक बार एड्रेस ले लेते हैं, जिस भैया को लेनी हो संपर्क करें, थोड़ा बता दो जी। हाँ जी, हमारी दुकान यहाँ पे इधर है गाज़ियाबाद में चौधरी मोड़ में, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सारी वैरायटी आपको दिल्ली गेट, गाज़ियाबाद और चौधरी मोड़ दोनों जगह दुकान है हमारी, कहीं भी आ सकते। क्या दुकान की नाम क्या है जी? न्यू इंडिया ऑटोमोबाइल्स के नाम से हमारी दुकान है यहाँ पे चौधरी मोड़ पे, तो आप आ सकते। अपना नंबर और बता दो जी। भैया हमारा नंबर है 786-301-0100। ठीक है, तो किसान भाई जिसको भी लेनी हो भैया संपर्क करें, और भी हम भी भैया के पास आए थे चक्की लेने, और भैया ने हमें चक्की दे दी, अब लेके जा रहे हैं अपनी चक्की। ठीक है, नमस्कार जी।